वेलकम बैक टू ए एस सी टी क्लासेस दिस इज आवर लेक्चर नंबर टू ऑफ ग्राफस ऑफ लीनियर इक्वेश इसे पहले हमने लेक्चर नंबर वन किया था ग्राफस ऑफ लीनियर इक्वेसन इन वन वेरियबल जो बिल्कुल बेसिक था बिल्कुल फंडामेंटल से हमने स्टार्ट किया था अब आ रहा है हमारा ये जो लेक्चर है ये ग्राफस ऑफ लीनियर इक्वेसन इन टू वेरिएबल्स के बारे में होगा ठीक है तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं द इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म चलो मैं इसको जूम कर लेता हूं द इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज ईकल्ड टू जीरो वाई ए बी एंड सी आर रियल नंबर एंड ए एंड बी बोथ आर नॉट जीरो इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ठीक है देखिए कोई भी इक्वेशन कोई भी इक्वेशन जो ए एक्स जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में होगी उसको हम कहते हैं ली, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जैसे हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था ये एक वेरिएबल होगा ये दूसरा वेरिएबल होगा और उस इसके लिए कॉपशंट ये होगा y के लिए और x के लिए कॉपशंट ये होगा और कॉन्स्टेंट टर्म ये बनेगी हमारी तो वेरिएबल इसमें दो आए x एंड y। ये दो वेरिएबल्स आए इसमें से इसमें से ये दो वेरिएबल्स आए सो यहां पे डिस्कस हो रहा है कि ए एंड बी आर रियल नंबर्स। एंड सी आल्सो रियल नंबर ये हम रियल नंबर समझते हैं क्या होता है देखिए इससे पहले शायद मैंने वहां पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में बोला था एम बी आर इंटीजर्स हम वहां रियल नंबर्स भी ले सकते हैं वो इश्यू नहीं है रियल नंबर्स मीनस वहां मैंने बोला था इंटीजर्स इंटीजर्स जीरो वन टू थ्री फोर और इसका नेगेटिव माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एक्चुअल में रियल नंबर जो है वो यूनिवर्सल सेट माना जाता है वो यूनिवर्सल सब का माना जाता है यहां पे थोड़ा सा मैं नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दूंगा पहला नंबर सिस्टम हमारा आता है नेचुरल नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं वन टू थ्री अप टू इंफिनिटी ठीक है इसके बाद आता है होल नंबर्स होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से होल नंबर जीरो वन टू थ्री अप टू इंफिनिटी इसके बाद आता है इंटीजर्स 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 होते हैं जो यहां पे मैंने बताए थे आपको जीरो वन टू थ्री यहां से इंफिनिटी माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री यहां से भी इंफिनिटी और इसके बाद है हमारा रैशनल नंबर रैशनल नंबर जो इन दम आप पी बाई क्यू फॉर्म में होगा वेर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो पी एंड क्यू आर इंटीजर्स जैसे कि पी एंड क्यू इंटीजर्स है कोई भी इंटीजर दे लो इनमें से टू बाई थ्री या माइनस टू बाई थ्री ये रैशनल नंबर बन गया लेकिन यहां पे क्यू पी कंडीशन है क्यों जीरो नहीं होना चाहिए दैट मीनस पी के लिए आप सभी इंटीजर्स दे सकते हो लेकिन क्यू के लिए भी दे सकते हो लेकिन जीरो के बगैर ठीक है रैशनल नंबर्स तो रैशनल नंबर जो अंडर रूट के फॉर्म में होंगे वो इेशनल नंबर बन गए विदाउट परफेक्ट स्क्वेयर्स मीन जिनका परफेक्ट स्क्र होगा वो सब जो आएंगे उन जिनका रूट होगा वो इर नंबर के फॉर्म में होंगे फॉर एग्जाम्पल यहां पे फोर है वो स्क्र रूट है टू का अगर मैं इसका अंडर रूट करूंगा तो ये बनेगा टू लेकिन इसके बारे अगर मैं यहां पे थ्री का करूंगा अंडर रूट तो वो बनेगा इशनल नंबर बिकॉज ये अब इसका आंसर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग बनेगा या सिंपली आप कह सकते हो बिल्कुल बेसिक वाली नंबर्स दो नंबर एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इज कॉल्ड इशनल नंबर सिस्टम इशनल नंबर सिस्टम आपको इसके साथ छेड़ना कुछ नहीं है ये बिल्कुल अलग सा टॉपिक है बस नंबर के बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहता था ओके okay, अब हमारे पास आए नेचुरल, होल नंबर्स इंटीजर्स रैशनल नंबर्स और इेशनल नंबर्स। देखिए नेचुरल नंबर जो है वो सब होल नंबर्स में आते हैं होल नंबर जो है वो सब इंटीजर में आते हैं इंटीजर जो सभी है वो सारे रैशनल नंबर है याद रखना कैसे इन सब का डिवाइड बन करेंगे तो ये बन गए पी बाई क्यू फॉर्म में तो ये सारे नंबर जो है वो रैशनल बन गए जीरो के साथ भी जीरो आए रैशनल और इरेशनल जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है इशनल इशनल नंबर जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है रैशनल नंबर से मीनस कोई रैशनल जो है वो इेशनल नहीं है या कोई इेशनल नंबर जो नहीं है जो रैशनल है ठीक है लेकिन दोनों को कंप्राइज़ करता है एक सेट उसका नाम है रियल नंबर सेट रियल नंबर नंबर वो number है जिसमें रैशनल भी आते हैं और इेशनल भी आते हैं दैट मीनस रियल नंबर में जो नंबर्स आते हैं वो सारे नेचुरल भी है होल नंबर भी है इंटीजर भी है रैशनल भी है और इसके बगैर इेशनल भी इसमें आते हैं दिस इज रियल नंबर सिस्टम दैट मीनस यहाँ पे ये बात आ गई थी यहाँ कॉप्शंट के ए और बी के बारे में या सी के बारे में मीनस यहाँ पे आप रैशनल भी लगा सकते हो इेशनल भी लगा सकते हो वो सब कॉप्शन आ सकते हैं एक्स और वाई के और सी सी का भी मीनस कॉन्स्टेंट वैल्यू का वैल्यू भी आपको इेशनल नंबर हो सकता है ये होगी डेफिनेशन किसकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो वेरिएबल कौन से बन गए यहाँ पे एक्स एंड वाई देखिये ये सब जो इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे बता रहा हूं इन सब के बारे में आपको एस एस बी पर्टिकुलरली फॉर पंचायत सेक्रेटरी उसके बारे में आपको यहाँ पे नहीं पूछा जाएगा बिकॉज आपके सिलेबस में बिल्कुल है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू इन लीनियर इक्वेशन नॉट वन वेरिएबल नॉट टू वेरिएबल वहां पे मेंशन नहीं है बस खाली है ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन जो कुछ भी आपको पूछा जाएगा वो ग्राफ के रिलेटेड होगा ठीक है ये हो गई आप के लिए डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे पहचान लेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कैसे होती है अब हम बढ़ते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ यहां पे ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैज इन्फाइनेटली मनी सॉल्यूशंस जैसे कि हमने इससे पहले जो पढ़ा था लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हैज यूनिक सोल्यूशन ये हमने पढ़ा था किसमें लेक्चर नंबर वन में वो था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के यहां पे है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बता रहा हूं मैं हैज इनफाइनेटली मनी सोल्यूशन हम अभी देख लेंगे भी कैसे है इसके इनफाइनेट सोलूशन ठीक है और है यहां पे द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन हर एक जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगी उसका जो वैल, ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी इससे पहले जो हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वहां पे मैंने बोला था इसका ग्राफ जो है वो एक पॉइंट डिनोट करेगा अब यहां पे किसी ने क्वेश्चन किया था सर मैं बताऊंगा यहां पे क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन ये था सर हमें बताइए कि एक्स प्लस जीरो वाई इज इक्वल टू तो थ्री इसका ग्राफ जो है वो कैसे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे बनेगा ओब्वियसली ये तो आ, है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अगर इसको कन्वर्ट करेंगे हम एक्स प्लस जीरो इंटू वाई कुछ नहीं दैट मीन्स यहां पे प्लस कुछ नहीं आएगा इज इक्वल टू तो थ्री ये दिखेगी आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में लेकिन अगर आपने देखा होगा अच्छे से लेक्चर नंबर वन मैंने आपको कहा था अगर ये इन द एसेंस ऑफ टू वेरिएबल होगी तो इसका ग्राफ जो है वो लाइन होगा वो एसेंस मतलब था यहां पे ये वाला पॉइंट ठीक है ये अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अच्छे से आपको ये सब चीजें क्लियर होंगे और मैं यहां पे बता सकता हूं मैंने अभी तक किसी लेक्चर में ये नहीं कहा था कि आप खाली ये पढ़ो मेरा पढ़ो तो आपको कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा लेकिन यहां पे मैं बताऊ बता रहा हूं ग्राफक्स के बारे में इनशा विद द हेल्प ऑफ अल्लाह मैं आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा ग्राफक्स के बारे में कि आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं ना कुछ नोट्स ना कुछ क्वेश्चन बस कंसेप्ट ले लो और क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाएंगे मैं क्वेश्चन लाऊंगा भी आपके लिए बस आप बिल्कुल यहां पे इन के साथ डिपेंड रहे ग्राफ ग्राफ वाले क्वेश्चन के साथ जो मैं यहां पे बताऊंगा आई मीन ग्राफ वाले लेक्चर्स uh, के साथ कुछ भी मिस नहीं होगा ग्राफ के बारे में फिर से मैं बता रहा हूं यहाँ पे द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इज ए स्ट्रेट लाइन ठीक है हमने वहां पे लेक्चर नंबर वन में देखा था कि ग्राफ हम कैसे ड्रा करते हैं थोड़ा सा बताया था मैंने तो यहां पे हम वर्ड प्रॉब्लम है यहाँ पे हम सालों करेंगे हम यहाँ से ही सीखेंगे कि ग्राफ कैसे ड्रा होगा किसी भी इक्वेशन का इन टू वेरिएबल्स देखिए क्वेश्चन है फाइव पेंसिल्स एंड टेन पेनस टुगेदर कॉस्ट रुपीज एटी बी द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इसका ग्राफ कैसे होगा ठीक है देखिए फाइव पेंसिल्स एंड टेन पेनस टुगेदर कॉस्ट एट्टी रुपीज हम इसका ग्राफ चेक करते हैं ग्राफ कैसे आएगा इसका फाइव पेंसिल्स फाइव पेंसिल्स और क्या था एंड टेन पेनस एंड टेन पेनस टेन पेनस कॉस्ट करते हैं हमें एटी रुपीज चलिए अगर मैं यहां पे मान मानूंगा कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू एक्स तो फिर फाइव एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज वाई तो यह आएगा टेन वाई टू एटी तो ये बन गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है एक्स और वाई ए के बाद फाइव बी के बाद टेन सी के बाद एट्टी नहीं माइनस एट्टी आएगा बिकॉज बिकॉज यहाँ पे अगर आपको ये भी पूछा जाएगा कि ये एट्टी कैसे सी um, का वैल्यू क्या है यहाँ पे यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखनी है जरूरी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो सी यहां था इक्वेलिटी के इस पार नहीं बट इस पार दैट मीन्स ए यहां पे है फाइव एक्स प्लस टेन वाई यहां पे एटी इक्वालिटी के इस साइड में है तो इसको मैं इक्वालिटी के इस साइड ले आऊंगा तो ये माइनस एट्टी बनेगा जो ट्रांसपोर्शन हमने लेक्चर नंबर वन में थोड़ी सी सीखी थी उसके हिसाब से ये यहां ट्रांसफर होगा तो माइनस एटी बनेगा दैट मीनस सी जो है वो माइनस एटी है मेक इट पॉइंट ओके अब यहाँ पे हम इसका ग्राफ कैसे डालेंगे चलो मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझाऊंगा ग्राफ कैसे डालेंगे इसका पहले आपको इक्वेशन है फाइव एक्स इज इकल टू एट्टी माइनस टेन लेना टेन वाई लेना है मीन्स एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस करना है दैट मीन्स एक्स इज इकल टू एट्टी माइनस टेन वाई डिवाइडेड बाई फाइव आई होप आपने ये समझा होगा बाय द हेल्प ऑफ ट्रांसपोजिशन यहां टेन वाई था इसको मैंने यहां ट्रांसफर किया है वो प्लस बन गया ठीक है और यहां पे x के साथ फाइव था वो मल्टीप्लाई इसके साथ तो इसको मैंने यहां पे ट्रांसफर किया तो फाइव डिवाइड में आ गया ये हमें जरूरी है ग्राफ ड्रा करने के लिए इक्वेशन को एज करने में क्या मतलब यहां पे हमें एक वेरिएबल को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल या यहां पे मैं कहूंगा एक डिपेंडेंट बनेगा दूसरा इनडिपेंडेंट बनेगा मीनस यहाँ पे एक्स जो है वो डिपेंडेंट है और वाई जो है वाई इनडिपेंडेंट है क्या क्यों डिपेंडेंट इनडिपेंडेंट बिकॉज यहां पे हमें जब अभी वैल्यू देंगे वो हम वाई को देंगे और निकलेगा एक्स का वैल्यू मीन एक्स का वैल्यू जो है वो वाई के वैल्यूज पे डिपेंड करता है देखिए क्या मतलब है ग्राफिक्स ड्रा करने के लिए आपको पहले ये स्टेप करना है उसके बाद एक वेरिएबल को एक्सप्रेस करना है दूसरे वेरिएबल में ऐसे मीन जो जिस वेरिएबल को आपको एक्सप्रेस करना है दूसरे वेरिएबल में उसके साथ जो कुछ भी है वो आपको ट्रांसफर करना है इस साइड फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे फाइव बाई टू भी था तो टू को भी और फाइव को भी ट्रांसफर करना था ओके okay? अब उसके बाद क्या करना है इस स्टेप के बाद इस स्टेप के बाद आपको एक टेबल ड्रा करना है दो वैल्यूज का मिनिमम जिसमें से आपको एक, एक साइड एक्स एक रखना है दूसरी साइड से वाई रखना है और मिनिमम दो वैल्यूज ड्रा करनी है आपको देखिए कैसे जो इजी होंगे वैल्यूज वही हम लेंगे अगर मैं यहां पे वाई के बदले फाइव दूंगा सॉरी यहां पे यहां पे नहीं वाई के बदले अगर मैं यहां पे फाइव दूंगा तो हमें एक्स के का वैल्यू क्या आएगा वाई के बदले मैंने यहां फाइव दिया दैट मीनस ये बन गया एट्टी माइनस टेन इंटू फाइव डिवाइडेड बाई फाइव दैट मीन एटी माइनस फिफ्टी डिवाइडेड बाई फाइव दैट इजी डिवाइडेड बाई फाइव एंड सिक्स जो है वो एक्स का वैल्यू निकला इस टाइम मीनस जिस टाइम वाई फाइव है उस टाइम एक्स का वैल्यू सिक्स निकलेगा बात आई समझ अब y का वैल्यू हम फोर देंगे y का वैल्यू 4 देंगे तो ये बनेगा 80 10 4 40 दैट मींस 80 40 डिवाइडेड बाय 5 व्हिच इज इक्वल टू 40 5 व्हिच इज इक्वल टू 8 5 8 इज आवर 40 एंड हेंस आवर आंसर इज 8 ये निकली दो वैल्यूज मिनिमम दो वैल्यूज x के और y के अब आते हैं हम ग्राफ की तरफ जब जो ही हमें यहां टेबल में से वैल्यू निकले तब हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं कैसे अब हम ग्राफ की तरफ आएंगे चलिए ग्राफ की तरफ आते हैं ग्राफ जो है वो हमें वैल्यू है एक्स का सिक्स वीट यहां पे सिक्स और फाइव मैंने आप आपको आपके साथ ये डिस्कस किया है पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं फिर वाई कोऑर्डिनेट एट एंड फोर ये दो वैल्यूज़ हमें मार्क करने हैं यहां पे चलिए पहला हम लेते हैं एक्स की तरफ सिक्स और वाई की तरफ फाइव एक्स का सिक्स यहां पे और वाई का वैल्यू फाइव यहां पे एक्स का वैल्यू सिक्स और इसी के ऊपर वाई का वैल्यू फाइव ये बन गया हमारा पॉइंट मीनस इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो सिक्स फाइव है ये है वो पॉइंट जिस टाइम एक्स वाई फाइव था उस टाइम एक्स सिक्स है ओके दूसरा पॉइंट जो है जिस टाइम एक्स फोर था जिस टाइम एक्स फोर था उस टाइम सॉरी जिस टाइम वाई फोर था क्या हमने ये सही किया यस yes. जिस टाइम एक्स एट था उस टाइम वाई जो है वो फोर है दैट मीनस वो यहां पे पॉइंट आएगा यहां पे एक सेकंड मैं वैल्यू जो है वो ऊपर लेता हूं इस, इसके ये जो है सिक्स का माफाइव है ये वाला पॉइंट अब एट और फोर फोर जो है वो यहां पे आएगा वन टू थ्री और फोर मीनस ये वाला पॉइंट जो है वो एट का फोर आएगा ये दो पॉइंट्स है अब इन ही दो पॉइंट्स के मतलब ज्वाइन करके हमें एक स्ट्रेट एक लाइन डालेंगे इन ही दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे चलिए एक लाइन ड्रा करता हूं मैं यहां पे इसको मैं एक्सटेंड करूंगा यहां से इसको भी एक्सटेंड करूंगा यहां से एंड दिस बिकम ग्राफ ऑफ एंड इक्वेशन, जो इक्वेशन ये है फाइव एक्स प्लस टेन वाई इज इक्वल टू एट्टी ये बन गए इसका ग्राफ देखिए यहां पे, जिस जिस पॉइंट की मतलब जो इंटरसेप्ट करती जा रही है वो इसका सॉल्यूशन बनेगा मैंने बोला था आपको इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन है ठीक है कैसे देखे आप खाली यही वैल्यूज नहीं दे सकते किसी कोई कोई जो स्टूडेंट होगा वो नेगेटिव में जाएगा उसके लिए अलग से वैल्यू आएंगे कोई स्टूडेंट जो है वो इससे वैल्यूज बढ़ाएगा मींस अलग आएंगे डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज होंगे दैट मींस इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं है इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशंस है और कि, कितने सोल्यूशन आएंगे यहाँ पे आप देख भी सकते हो सोल्यूशन जो है वो इनफाइन आ सकते हैं जो भी पॉइंट यहाँ पे इस लाइन की इंटरसेप्शन में आएगा वो इसका सॉल्यूशन बनेगा अगर मैं इसको बढ़ा भी बढ़ा भी जाऊंगा तो वो सारे पॉइंट इसके सॉल्यूशन बनेंगे दैट मीन सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनेट होते हैं फॉर एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए आई होप आपने ये समझा होगा दूसरा है यहां पे दूसरा क्वेश्चन साहिल वेंट ऑन सेल टू परचेज सॉक्स एंड स्लीपर्स सम वन आस्कड हिम हाउ मेनी ऑफ ईच ही बॉट ही आंसर्ड द नंबर ऑफ स्लीपर्स इज फोर लेस देन फोर टाइम द नंबर ऑफ सॉक्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन सो ऑपटेड देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू के लिए हम फिर से क्वेश्चन को समझते हैं साहिल वेंट ऑन सेल ठीक है तो टू परचेज सॉक्स एंड स्लीपर्स हाउ मनी ऑफ ईच ही बॉट ही द नंबर ऑफ हीपर्स इज फोर लेस देन लेस देन फोर टाइम्स द नंबर ऑफ सॉक्स फोर टाइम्स द नंबर ऑफ सॉक्स वो स्लीपर्स और सॉक्स लेने जो मार्केट गया है किसी सेल पे और उसने वहां से लाए कितने नंबर ऑफ स्लीपर लेट दैट बी एक्स और डेट बी वाई नंबर ऑफ स्लीपर जो है वो हम मानेंगे चलिए वाई मानते हैं स्लीपर्स वो इसने कितने लिए है वो इसने कितने लिए है फोर लेस देन फोर टाइम्स द नंबर ऑफ सॉक्स लेट द नंबर ऑफ सॉक्स बी अलेवन सॉरी एक्स सॉरी जो न, ये बन गए हमारा स्लीपर्स नंबर ऑफ स्लीपर्स ये बन गए हमारा सॉक्स वो आंसर देता है कि जो जितने उसने स्लीपर्स लिए उसके फोर टाइम्स सॉक्स को माइनस करना हमें फोर है ना वही फोर लेस देन फोर टाइम्स अ नंबर ऑफ सॉक्स नंबर ऑफ सॉक्स मैंने एक्स मान लिए उसको फोर टाइम्स किया मीन मल्टीप्लाई फोर करना है माइनस फोर अगर खाली ये होता फोर लेस नंबर ऑफ सॉक्स तो ऐसे आएगा अगर ऐसा होगा कि फोर मोर देन नंबर ऑफ सॉक्स तो फिर ऐसे आएगा लेकिन यहां पे और भी कॉम्प्लेक्स है फोर लेस देन फोर टाइम्स द नंबर ऑफ सॉक्स फोर टाइम्स सॉक्स तो ये बन गई उसकी फोर लेस दैट मीन हमारे इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये आई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो बन गई इस वर्ड प्रॉब्लम के लिए वो हमारे पास आ गई चलिए हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं इक्वेशन हमारे पास आ गई y इज टू फोर एक्स माइनस फोर सपोज ये ऐसी होती इक्वेशन सपोज ये ऐसी इक्वेशन होती ठीक है तो हमें एक्सप्रेस करना था एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में जो हमने इससे पहले प्रॉब्लम में किया है लेकिन यहां पे इक्वेशन जो है वो उसी तरीके से हमारे पास आई मीनस वाई जो है वो एक्सप्रेस है एक्स में दैट मीनस वाई जो है वो डिपेंडेंट बन गया और एक्स जो है वो इनडिपेंडेंट बनेगा अब टेबल ड्रा करेंगे इसके लिए जैसे मैंने आपको बोला था कि कैसे ड्रा करते हैं ग्राफ ये एक्स और ये वाई इससे पहले हमने वाई को वैल्यू दिया था एक इक्वेशन में और यहां हम एक्स को वैल्यू देंगे ये जरूरी नहीं है कि खाली वहां वाई का वैल्यू दिया था तो हमेशा वाई के लिए वैल्यू निका, निकाल सकते हैं नहीं इट डिपेंड्स अपॉन आवर कन्वीनियंस जो हमें इजी लगेगा वही उसी के लिए हमें वैल्यू देनी है हम दे, देंगे वैल्यूज चलो x के लिए अगर हम y के लिए अगर हम x के लिए वैल्यू देने हैं तो अगर हम y के लिए वन देंगे x के लिए वन देंगे तो ये बनेगा फोर फोर इंटू वन माइनस फोर दैट मीन्स ये तो जीरो बनेगा अगर टू देंगे x का वैल्यू टू देंगे तो फोर इंटू टू मीन्स एट एट माइनस फोर दैट इज फोर ये बन गया हमारा वैल्यूज अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे इसका ग्राफ अगर ड्रा करेंगे यहां पे पहले हम वैल्यूज याद रखेंगे क्या क्या है वन एंड जीरो टू एंड फोर वन एंड जीरो टू एंड फोर दैट मीनस वन एंड जीरो टू एंड फोर ओके अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे वन एंड जीरो एक्स की तरफ वन जाना है हमें एक्स एक्स की तरफ वन जाना है हमें तो ये हो गए हम वन यहां पे और y की तरफ जीरो मीनस y की तरफ ना तो इधर जा सकते हैं ना इधर जा सकते हैं ठीक है ये ग्राफ जो है हमने सीखा है थोड़ा सा इन इक्वेशन वन वेरिएबल लेक्चर नंबर वन में यहां पे हमारा पॉइंट बन, बन गया वन कामा वन कामा जीरो ठीक है मैंने वहां पे आपको बोला भी था जहां न, मतलब अगर को, वो पॉइंट जिसमें वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा वो पॉइंट करेगा ऑन एक्सिस और वो कोऑर्डिनेट वो जिस जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा वो लाई करेगा वाई एक्सिस पे इस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो है मीनस ऑर्डिनेट तो ये लाई करेगा एक्स एक्सिस पे यहां पे ओके अब हम यहां पे जाएंगे ये वाला पॉइंट तो बन गया हमारे पास अब ये इस वाले पॉइंट की तरफ जाएंगे एक्स की तरफ टू मीनस ये वाला टू ये टू है और वाई की तरफ फोर वन टू थ्री एंड फोर मीनस ये बन गया हमारा दूसरा पॉइंट अब हम फिर से लाइन ड्रा करेंगे इसके लिए इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करना है ठीक है हो गया ये ज्वाइन अब एक्सटेंड भी कर सकते हो यस yes, एक्सटेंड भी कर सकते हैं तो ये बन गए इसका ग्राफ इसी पॉइंट इसी लाइन का नाम इस लाइन का नाम हम देंगे वही जो हमारे पास आया था वाई सॉरी इस पॉइंट इस लाइन का नाम देंगे हम वाई माइनस फोर एक्स इज इक्ल टू माइनस फोर या ऐसे थी हमारे पास इक्वेशन वाई एक्स माइनस फोर ठीक है और ये इसका ग्राफ बन गया और जितने भी इंटरसेप्टिंग पॉइंट आएंगे इस पे वो सब इस इक्वेशन के वैल्यूज होंगे ओके आई होप आपने ये सब समझा होगा कि ग्राफ किसी भी इक्वेशन का कैसे हम ड्रा कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम नहीं होगी तो सीधे क्वेश्चन होगा ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस वेरी इक्वेशन यू कैन डू इट यहां पे है वाई इज इकल्ट वाई इज इकल्ट टू है यहां, यहां पे तो ये बनेगा टू एक्स इसके लिए भी हम मिनिमम टू वैल्यूज ड्रा करेंगे एक्स और वाई यहाँ पे भी एक्स का वैल्यू देना है तो वाई निकलेगा एक्स का अगर जीरो देंगे तो वाई निकलेगा टू एक्स का अगर वन देंगे तो वाई निकलेगा फोर दैट मीनस हम जीरो और टू जो है मार्क करेंगे वन और फोर, फोर मार्क करेंगे उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके वो हमारे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन गया अब मैं यहां पे ये वाला पॉइंट डिस्कस करूंगा ये वाला जो किसी ने पूछा था, अगर हमारे पास x प्लस जीरो तो ये तो बन गया लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल इसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन का से आ सकती है ठीक है देखिए चल इसका भी ग्राफ हम ड्रा करेंगे देखिए एक्स और वाई एक क्वेश्चन था वाई प्लस जीरो वाई इज इक्वल टू थ्री मीन्स एक्स का वैल्यू जो है वो थ्री हमेशा आएगा ये यूनिक वैल्यू है इसके लिए ठीक है लेकिन वाई का वैल्यू जो है वो चेंज होता जाएगा वाई का वैल्यू चेंज होता जाएगा मीन्स अगर वाई का वैल्यू हम वन देंगे तो एक्स का वैल्यू थ्री आएगा क्योंकि वाई का वैल्यू वन दिया तो जीरो इंटू वन इक्वल टू जीरो फिर से मीनस एक्स इक्वल टू ऑनली थ्री अगर यहां पे मैं इसका वैल्यू टू दूंगा तो जीरो इंटू टू फिर से जीरो मीनस एक्स तब भी थ्री आएगा मीनस टू पे भी इसी तरह अगर एक्स का वैल्यू माइनस दूंगा माइनस वन तो इसका वैल्यू जो है तब भी थ्री ही आएगा और इसका ग्राफ कैसे कैसे बनेगा यहां पर देखिए आप एक्स का वैल्यू थ्री है मीनस ये और y का वैल्यू जो है वन है तो यहां पे ठीक है यहां पे वो पॉइंट आ गया एक्स का वैल्यू थ्री है एक्स का वैल्यू थ्री है फिर से तो y का वैल्यू टू तो आ गया वो यहां पे ठीक है एक्स का वैल्यू थ्री है एक्स का वैल्यू यहां पे थ्री है और y का वैल्यू जो है माइनस वन आ गया तो यहां पे एक्स का वैल्यू और भी कुछ दे वाई का वैल्यू और भी कुछ दे दो एक्स का वैल्यू चेंज नहीं होता जाएगा दैट मीन येट लाइन यहां से बनेगी और हमने सीखा भी है ठीक है यहां पे खाली एक्स कोऑर्डिनेट थ्री है वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे जीरो आ रहा है ठीक है और ये एक सॉरी वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी आ, आ रहा है या जीरो भी आप मान सकते हो तो ये जो है यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है इस इक्वेशन के लिए भी यही मैंने बोला था लेक्चर नंबर वन में अगर ये इक्वेशन व्हाट द जोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स इज टू थ्री इन टू वेरिएबल आपका आंसर आएगा स्ट्रेट लाइन या व्हाट इज अमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स इजिकल टू थ्री इन वन वेरिएबल आपका आंसर आएगा पॉइंट मीनस ये जोमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है अगर ये इन वन वेरिएबल में लेंगे तो पॉइंट व्हाट ये ज्योम क्या रिप्रेजेंट करता है अगर हम इसका वैल्यू सॉरी टू वेरिएबल मानेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी आई होप उसने ये क्वेश्चन को समझा होगा अच्छे से कि सर का मतलब क्या है चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में ओके द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉट इफेक्टेड जो इक्वेशन का सोल्यूशन होगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा सोल्यूशन सेम निकलेगा कब, कब, जब सेम इक्वेशन सपोज हमारे पास इक्वेशन थी वाई इजिकल टू फोर एक्स माइनस फोर यह हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी इसके वैल्यू पे चेंज नहीं होगा मीन इसके ग्राफ पे भी चेंज नहीं आएगी इसके ग्राफ पे भी चेंज नहीं आएगी अगर हम सेम नंबर ऐड करेंगे यहां पे भी और वही नंबर यहां पे भी ऐड करेंगे ग्राफ जो है वो वही का वही रहेगा ठीक है या यही नंबर हम अगर हम सप्राइड करेंगे वही नंबर यहां पे भी सप्राइड करेंगे ग्राफ वही का वही रहेगा उस पर चेंज नहीं आएगा और और का फर्क नहीं पड़ता है अगर हम सेम नंबर जो है वो मल्टीप्लाई देंगे इक्वेशन के इस साइड भी और इक्वेशन के दूसरी साइड भी ठीक है दैट मीन्स अगर यहां पे हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्री यहां पे भी मल्टीप्लाई करेंगे थ्री तो इक्वेशन का ग्राफ वही का वही रहेगा या आप यहां पर डिवाइड कर सकते हैं फोर यहां पर भी डिवाइड कर सकते हैं फोर ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ग्राफ वही का वही रहेगा जो ऑरिजिनल इक्वेशन का था नेक्स्ट आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है एन इक्वेशन जो इक्वेशन इस फॉर्म में होगी किस फॉर्म में इक्वल टू एम एक्स प्लस कुछ नहीं ठीक है टू ओनली एम एक्स रिप्रेजेंट ए लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजन देखिए ग्राफ जो हमारे पास है ग्राफ जो हमारे पास है बहुत से लाइंस आएंगे लेकिन ओनली वही इक्वेशन वही सॉरी खाली उसी इक्वेशन का ग्राफ जो है वो पास होगा ऑरिजिन के पास ऑरिजन हमारा हमारा क्या है ये ये हमारा ऑरिजिन है खाली वही इक्वेशन ऑरिजिन के पास सॉरी ऑरिजिन के थ्रू पास होगी जिस जो किस फॉर्म में होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस नथिंग ये m के बाद आप a भी रख सकते हो जो हमारे पास वहां था एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो इक्वल टू कुछ इक्वेशन yes. जो है इस इक्वेशन का ग्राफ जो है वो ओरिजिन से पास होगा वो ओरिजिन से पास होगा क्यों डेट मीनस यहां पे कॉन्स्टेंट जो था कॉन्स्टेंट जीरो था ठीक है या अगर आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन वी हैव ए क्वेश्चन फोर एक्स प्लस टू वाई प्लस सी टू जीरो और व्हाट वैल्यू ऑफ सी दैट ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन पासस थ्रू ओरिजिन आपका आंसर होना चाहिए सी का वैल्यू ऑलवेज जीरो होगा तब जाके इस ग्राफ का इक्वेशन ओरिजिन से पास होगा थोड़ा अगर इसका मतलब समझेंगे ये क्यों होगा ऐसा देखिए यहां पे सी जीरो है तो हमारे पास इक्वेशन है 4x minus -2x ऑन द नेस्पोजीशन इसका सॉल्यूशन देखिए मैंने अब आप, आपसे डिस्कस किया था जो भी पॉइंट इस ग्राफ के इंटरसेप्शन में आएगा वो इसका सोल्यूशन ये जो ये पॉइंट है इस पॉइंट की कॉर्डिनेटर्स है जीरो कामजीरो मीनस अगर ये लाइन जो है जीरो कामज जीरो से पास होती जा रही है तो इसका सोल्यूशन जीरो कामजीरो भी होगा ऑब्वियसली होगा क्यों यहां पे जीरो फोर एक्स इजिकल टू जीरो अगर यहां पर मैं बताऊंगा एक्स के बदले जीरो वाई के बदले जीरो तो जीरो प्लस जीरो जीरो ही आ रहा है ठीक है ना दैट मीनस ये जो जीरो जीरो और जीरो सेटिस्फाई कर रहा है इसको सेटिस्फाई कर रहा है दैट इज वाई इस इक्वेशन का सोल्यूशन जीरो काम जीरो है और इसीलिए ये ऑरिजिन के थ्रू पास होगी यहां ये इक्वेशन जो है ये यहां से भी आ सकती है या यहां से भी आ सकती है थ्रो एनी पॉइंट वी कैन पास इनफाइन नंबर ऑफ लाइंस तो ऑरिजन से इनफाइन नंबर ऑफ लाइन्स पास होगी लेकिन उन सब लाइन्स की खासियत क्या होगी उन सब में सी जो है वो जीरो के बराबर आएगा. व्हाट वैल्यू ऑफ सी ग्राफ ऑफ इक्वेशन पास थ्रू थ्रो ऑरिजन द वैल्यू इज ओके और अब जिसमें सी नॉट इक्वल टू जीरो होगा जिसमें सी नॉट इक्वल टू जीरो होगा वो इक्वेशन जो है वो ऑरिजन से पास नहीं होगी ठीक है मीनस जो कोई भी इक्वेशन यहां एक्स है यहां पे आप कंफ्यूज मत होना ये एम एक्स कहां से आया ये आप इसके बदले ए भी लिख सकते हो एम इज अनी कॉन्स्टेंट अनी कॉन्स्टेंट वैल्यू जो एक्स का कोप्शन बनेगा यहां पे भी वही है लेकिन सी पे यहां कंडीशन है सी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए सी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए ये वो लाइन है जो ऑरिजिन से पास नहीं होगी मीन इस इक्वेशन के लिए जीरो काम जीरो सोलूशन नहीं होगा आई होप आप सब ने ये सब समझा होगा ठीक है एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट होगा लीनियर इक्वेशन इन पीयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर वो जल्द ही अपलोड होगा वो भी सो थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज कॉमेंट एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो थैंक यू फॉर ऑल